पंजाब नेशनल बैंक में हुए महाघोटाले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का आरोप लगाया। पीएनबी घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी और उसके सहयोगी मेहुल चौकसी का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। साथ ही बैंक ने भी इस मामले में 8 और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पुलिस मुस्तैद हो गई है। पुलिस ने तमिलनाडु बॉर्डर पर कर्नाटक की बसों को रोक दिया है। इसके अलावा ट्रकों और दूसरी गाड़ियों को भी रोक दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। उद्योगपति अनिल अंबानी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर 5,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोका है। अनिल अंबानी के मुताबिक राफेल डील में उन्हें बदनाम करने की वजह से संजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा गया है।